दोस्तों आखिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट तालिबान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना चाहती है, उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला, तालिबान अफगान जो सॉयल है उसको एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स को ऑपरेट करने के लिए प्रोवाइड करता है। दूसरा, इंडिया के जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस हैं अफगानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में, वो इसी तरीके से फुलफिल हो सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन, 1996 में जब तालिबान वापिस से पावर में आया और इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किए, तो पाकिस्तान के पास एक काफी बड़ा ओपन स्पेस था टू ऑपरेट तालिबान इन देयर ओन अकॉर्डेंस। इसके साथ साथ में जब काबुल के अंदर हमारा प्लेन हाईजेक हुआ तो इंडिया के पास में कोई ऑप्शंस नहीं रह गए थे टू फाइंड आउट डिप्लोमेटिक रिलेशंस और उसको एक अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी कि तालिबान से हमारे कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशन इनफॉर्मल और फॉर्मल वे में होने चाहिए। फॉर मोर इन्फो फॉलो मी एट kapil.bhardwaj2022।